वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ द सीरीज नेम्ड अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ सीजीपीएससी प्रीलिम्स। आज के इस वीडियो में मैं साइंस, फिलोसफी, करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट के टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं जो लोग इम्पोर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस, करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के टॉपिक। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, तो आपको लगभग हर एक टॉपिक पढ़ना है, इसमें कोई खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। साइंस का जो टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कोई खास पैटर्न नहीं रहा है। तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है उसको करेंट अफेयर्स के साथ भी पढ़ सकते हैं, और आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टेस्ट सीरीज दिलाना है, इससे आपका साइंस अच्छे से तैयार हो जाएगा। सेम चीज करंट अफेयर्स के लिए भी है, इसमें बहुत डाइवर्स टॉपिक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टेस्ट सीरीज दिलाना है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड पढ़ना है, वो आपसे हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इंडियन फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर। तो आपने मेरा एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो ये भी डाइवर्स टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज दिलाना है, और मेरा एक वीडियो सीरीज है इंडियन फिलोसफी का सीजीपीएससी प्री के लिए, वो आप जरूर देख लें। और मैंने टेलीग्राम पे अपने नोट्स डाले हुए हैं इंडियन फिलोसफी के, तो आपके लिए सफिशियंट है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए कई लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो बनाओ, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको टेम्पल के बारे में पढ़ना है, यानी कि मंदिर के बारे में, और जो जो भी स्मारक है उन सब के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और लिटरेचर के लिए भी सेम है, ये बहुत एक डाइवर्स सब्जेक्ट है, कहाँ से किस राइटर को बुक पूछा जाता है ये हर बार अलग अलग रहा है, कभी इन्वायरमेंट से पूछा गया है, कभी हिस्ट्री से पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है और टेस्ट सीरीज दिलाना है लिटरेचर के लिए भी। अब हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट से पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे ज्यादा, उससे पहले ज्यादा पूछे नहीं गए थे, लेकिन इसमें क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है नेशनल पार्क के बारे में, इंडिया में जो जो भी है उनके बारे में, पहला कौन सा है, बड़ा कौन सा है, कहाँ कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टर्म्स पढ़ना है, टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, जैसे कि इकोसिस्टम हो गया या फिर खुद बायोडाइवर्सिटी एक वर्ड है, ये सब आपको पढ़ना है। और उसको उस वर्ड को किस साइंटिस्ट ने या फिर किस पर्सन ने दिया था वो पढ़ना है। उसके बाद थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को किस किस चीज से खतरा है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये भी आप जो 12th के एनसीईआरटी बुक है बायोलॉजी की, उसके लास्ट चार चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और सेम चीज कंजर्वेशन पढ़ना है, तो कंजर्वेशन में ही नेशनल पार्क और जो सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य होते हैं वो सब आते हैं, तो इससे आपका बायोडाइवर्सिटी भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में आपको हर एक चीज पढ़ना है, कॉज और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए भी एनवायरमेंट की कोई से भी बुक लेना है, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। और वही चीज बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें एनवायरनमेंट के लिए भी और टेस्ट सीरीज दिलाएं, तो आपका एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने साइंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और इंडियन फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया। इसमें उतना कुछ खास बताने के लिए नहीं था, लेकिन इन चारों सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और टेस्ट सीरीज दिलाएं। तो ये था वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।